हाँ जी दोस्तों, तो हमने सक्सेसफुली खत्म किया अपने क्वेश्चन नंबर 80 तक। बढ़ते हैं आगे और पढ़ता है अगला सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट इट मींस, अगर हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट में जाता है तो इसका क्या मतलब है। तो सर सिंपली आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई कर्व जो होगा उसमें तीन चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी सर तीन चीजें हो सकती हैं? या तो वो लेफ्ट में जाएगा, बिल्कुल सही, या तो वो राइट में जाएगा, बिल्कुल सही, या तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, अब इन तीनों का क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन सिंपल सा है कि अगर सप्लाई कर्व मेरा लेफ्ट में जा रहा है, मतलब कि सप्लाई मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है। सप्लाई कर्व अगर मेरा राइट में जा रहा है, मतलब क्या है कि सप्लाई मेरी बढ़ रही होगी, और अगर सप्लाई कर्व मेरा कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना सप्लाई बढ़ रही है ना सप्लाई घट रही है, वो एज इट इज है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? कह रहा है स्मॉलर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, जिस प्राइस पे हम बात करें उस प्राइस पे हमारा जो सप्लाई है वो कम है, या फिर लार्जर सप्लाई है, या फिर कांस्टेंट सप्लाई है, या फिर कुछ भी नहीं। तो आपको पता है कि अगर सप्लाई का आपका लेफ्ट में जाता है, इसका मतलब कि आपकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है, मतलब सप्लाई आपका स्मॉलर है। एट अ गिवन प्राइस क्यों रखा गया है सर? क्योंकि गिवन प्राइस पे ही आपका जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि हमने प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं किया लेट से, और सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट को मूव कर रहा है। तो आपने देखा था शिफ्ट वाली चीज है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे शिफ्ट लग रहा है। तो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है और हमारा प्राइस जो है वो उसमें हमने कोई छेड़खानी करी है, मतलब अदर फैक्टर्स की वजह से ये लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई हमारी कम हो रही है। अदर फैक्टर्स की वजह से अगर ये राइट में शिफ्ट करता तो इसका मतलब क्या होता कि सप्लाई हमारी बढ़ रही है। सी जो ऑप्शन है वो कतई यूनिक है। क्या है सर? कि कांस्टेंट सप्लाई, अब यहाँ पे गिवन प्राइस था, यहाँ पे गिवन प्राइस था, यहाँ पे कह रहा है कांस्टेंट सप्लाई एट अ लोअर प्राइस, मतलब प्राइस कम हो गया लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो भाई साहब जो लॉ ऑफ सप्लाई है वही एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप प्राइस को चेंज करोगे तो आपका सप्लाई कांस्टेंट नहीं रहेगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्राइस की वजह से होगा तो वो हमारा शिफ्ट में आएगा ही नहीं, लेफ्ट और राइट वर्ड की वहां पे बात होती ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो ये सिंपल सा सवाल था, कोई खास ऐसे टफ ऑप्शंस नहीं थे आपके पास, तो आप इजीली चुन पाओगे कि आपका जो ए है वो वहां पे परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू राइट इट मींस, तो सेम उसी का अपोजिट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट जा रहा था, यहाँ पे ये राइट में जा रहा है, और कह रहा है जब राइट में जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो सप्लाई इंक्रीज कहते हैं उसको, सप्लाई डिक्रीज कहते हैं उसको, कॉन्स्टेंट कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी अभी जाना था कि अगर सप्लाई कर्व मेरा राइट की तरफ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमने देख लिए, दो फटाफट से एक जैसे ही थे, सप्लाई कर्व के ऊपर था, लेफ्ट राइट दोनों कवर यहाँ पे हो गया। अगला एरिया आता है, मतलब अगला सवाल आता है जिसमें बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज डिफाइंड एज, क्या बात कर रहे हो? हम क्वेश्चन नंबर 83 पे आने के बाद ऐसे बच्चों वाले सवाल करेंगे जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि बताओ बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है। तो ये तो बहुत ही बच्चा सवाल हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले ऑप्शन को पढ़ने से पहले आप अपना इसका माइंड में लेके आओ कि इसका आंसर क्या है। सर जी आपको पता है कि सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या काम करती है, वो बताती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा सर, जो सप्लाई की इलास्टिसिटी होती है वो क्या बताती है? वो बताती है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितना है किसके बीच में, तो कितनी दो लोगों के बीच में। कौन से दो लोग होते हैं सर? एक होता है आपका क्वांटिटी सप्लाइड और दूसरा होता है इसी का अपना खुद का प्राइस। तो ये बेसिकली है जो सप्लाई की इलास्टिसिटी आपको बताती है, क्या बताती है कि कैसा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है किन दोनों के बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में और उसी कमोडिटी के प्राइस के बीच में। मतलब प्राइस में फर्क पड़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में किस प्रकार से कितना प्रतिशत, कितना डिग्री का फर्क पड़ता है, इस चीज को बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, ये हमें याद आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। ये तो कुछ कुछ वही लग रहा है जो हमने अभी बातें करी, जो हमने समझने की कोशिश की, कुछ कुछ वही लग रहा है, तो ये मेरे ख्याल से काफी हद तक ठीक है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स विदाउट चेंज इन प्राइस, कह रहा भाई साहब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है और उसके रिस्पॉन्सिवनेस को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, कतई नहीं कहते। आगे अब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो कतई हद हो गई, यहाँ सप्लाई की बात कह रहा है और ये कह रहा है कि हम क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्सिवनेस निकालेंगे विद इट्स चेंज इन इट्स प्राइस। अच्छा जी, तो ये तो आपका हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दे दी, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं था। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अगेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स विदाउट चेंज इन इट्स प्राइस, कह रहा है बिना प्राइस के चेंज हुए क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या चेंज आया, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है ना, ये ऑल्दो लाइन ठीक है लेकिन ये लाइन किसकी है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है, और आपसे सवाल पूछा गया इलास्टिसिटी ऑफ
सप्लाई, जिसकी आपकी सीधी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी ए, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे परफेक्ट आंसर। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स बाय डैश। बताओ जी आप कैसे निकालते हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, आप किससे किसको डिवाइड करते हो। तो कह रहा है डिवाइडिंग व्हाट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जितना भी परसेंट हुआ चेंज क्वांटिटी सप्लाइड का उसको किससे डिवाइड करते हो। तो सर इसका फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका सिंपली फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ढूंढ लो जी, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ना इनकम तो बिल्कुल नहीं होता, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा जी क्वांटिटी सप्लाइड को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड से, कतई गलत कह रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ ये वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके फॉर्मूले में यही यूज होता है, और परसेंटेज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है। अगला सवाल, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है तो इसका मतलब क्या है। तो सर जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, अगर जीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इनइलास्टिक को हम कहते हैं कि वो जीरो से लेके वन तक रहता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा तो हम बोलते हैं भाई साहब ये तो इनइलास्टिक का भी बाप है, मतलब कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये होता है जीरो का इंटरप्रिटेशन, चाहे वो सप्लाई की बात हो या फिर वो डिमांड की बात हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है सर ये भी बता दो जरा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई तब होता है जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी होगा तो हम बोलते हैं उसको परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा जी जीरो पता लग गया कब बोलते हैं, जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फिनिटी है। ठीक है सर, अगर जीरो से वन के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनइलास्टिक, उसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। और अगर वन से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब जीरो से वन के बीच में होगा तब तो बोलेंगे उसको इनइलास्टिक, और अगर वन से लेके इन्फिनिटी तक होगा तब उसको बोलते हैं इनइलास्टिक, और एग्जैक्टली अगर वन निकल के आता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है सर, ये पांचों नाम थे, आई होप आपको एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा, और आपको चुनना है कि जब जीरो होता है तो क्या होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। सी पॉइंट में देखो इसमें क्या इन्होंने मजाक करा, यहाँ पे कह रहा है इम्परफेक्टली इलास्टिक, ये तो कुछ नाम ही यूनिकली सुनने को मिल रहा है आपको कि इलास्टिक सप्लाई है लेकिन इम्परफेक्टली, तो ऐसा हमने कुछ सुना ही नहीं है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो ये तो एक तरीके से आपको एब्सर्ड ऑप्शन दे रखा है, चुनना आपको कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में से था कि परफेक्टली इनइलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है। तो आपको पता होना चाहिए परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इन्फिनिटी के केस में, और इनइलास्टिक होता है कब, जीरो के केस में। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 85 भी हमारा क्लियर होता है, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन। अब देखो मैंने इसलिए आपको पांचों बातें बता दी, क्योंकि ये पांचों बातें मैं आपको जनरली हर पार्ट के अंदर रिवाइज करवा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि इन्हीं से गिरे चुने क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं, कभी सप्लाई के फॉर्म में कभी डिमांड के फॉर्म में, और ये पांच बातों का डीपली प्रयोग हो रहा है जगह जगह पे। ठीक है सर, तो जब ये मैंने आपको पीछे पांचों चीजें बताई थी उसी में से एक यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई साहब अगर ग्रेटर देन वन होगा तो कब ऐसा होगा जब ग्रेटर देन वन होगा, तो आपको बताना है कि ग्रेटर देन वन कब होता है, जब जितना चेंज होना था क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर, जो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंज हुआ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है एज कंपेयर्ड टू क्या, प्राइस, मतलब कि कुछ ना कुछ चेंज आया है हमारे परसेंटेज के किसमें, प्राइस के प्रपोर्शन में भी, और कुछ ना कुछ चेंज आया है किसमें, क्वांटिटी सप्लाइड के केस में भी। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज का प्रपोर्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन प्राइस, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन वन। और यही हम कहते हैं कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड का जो प्रपोर्शन है चेंज का वो कम होगा एज कंपेयर टू चेंज इन इट्स प्रपोर्शन ऑफ इट्स प्राइस, तो उस सिनेरियो में हम बोलते हैं कि ये जो होता है ये आपका होता है लेस देन वन की कैटेगरी। ठीक है, ये लेस देन वन की कैटेगरी होती है, ये होती है आपकी मोर देन वन की। मोर देन वन कब होगा, जब क्वांटिटी सप्लाइड के परसेंटेज में जो चेंज आया है वो ज्यादा है प्राइस से, तो मोर देन वन है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड के परसेंटेज में जो चेंज आया है वो कम है आपके प्राइस से, तो लेस देन वन है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड के परसेंटेज में जो चेंज आया है बिल्कुल बराबर है आपके प्राइस के, तो उस सिनेरियो में आपका जो होता है वो होता है इक्वल टू वन। ठीक है सर, जीरो इन्फिनिटी तो आपको पता ही है, इन्फिनिटी तब जब बिल्कुल हल्के से चेंज से बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, और जीरो तब होता है जब प्राइस में आप कुछ मर्जी चेंज कर लो, क्वांटिटी सप्लाइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ढूंढना है इसमें से ग्रेटर देन वन की कैटेगरी, मतलब जब क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा किससे, प्राइस के चेंज से। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो कहीं ना कहीं यही आपका आंसर बन रहा है। आगे देखते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अरे कह रहा है
कि प्राइस यहाँ पे जो प्राइस के अंदर चेंज हुआ वो ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से, मतलब लेस देन वन वाली बात कर रहा है कि प्राइस का जो प्रोपोर्शनेट है वो ज्यादा है किससे, क्वांटिटी सप्लाइड के चेंज से, तो वो कब होगा जब लेस देन वन होता है, आपसे ग्रेटर देन वन पूछा है। चेंज इन इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, दोनों के अंदर क्या है इक्वालिटी है, तो वो इक्वल टू वन हो गया, वो कब होता है जब आपका जो रिजल्ट होता है वो ग्रेटर देन वन नहीं लेस देन वन नहीं वो इक्वल टू वन होता है, तब आपका ऐसा सिनेरियो होता है, तो वो भी यहां नहीं लगेगा और नन ऑफ द अबव की तो कोई बात ही नहीं है, तो आपका ए जो है वो परफेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है सर, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड, लो जी पुराने पीछे हमने एक्सप्लेनेशन ली वही सवाल आगे मिल गया, कह रहा है इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन इट्स प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, अगर कह रहा है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सेम है किससे, जो भी चेंज हुआ है हमारे प्राइस के अंदर उससे, तो उसको हम क्या कहते हैं उस सिनेरियो में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो जब इक्वल होता है तो हमारा वन होता है, ये चीज आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी थी, डिट्टो वहीं से उठ के ये आ गया। ठीक है सर, अगला सवाल प्रैक्टिकल 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 क्वेश्चन आ गया, देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4, कह रहा है जो प्राइस है वो घट के आ गया 6 से 4 पे, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स इंक्रीज फ्रॉम 10 to 5, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 से चला गया 15 पे, आपको फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो ऑब्वियस बात है आप किसका निकाल रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हो, और आपको यूज करना है यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है ना, तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के अंदर आप कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला यूज करते थे वो सेम टू सेम ही करते थे, उसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं होती थी, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। बताओ जी 6 से 4 पे गया तो जो आपका ये क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी जो प्राइस है वो क्या हो रहा है आपका घट रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो हो रहा है उससे आपका क्या हो जा रहा है 10 से बढ़ के 15 हो जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बताओ क्या होगा आपका 5 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस क्या होगा, तो 6 से 4 पे जा रहा है तो इसको आप बोलोगे -2, ठीक है ना, ये आर्क इलास्टिसिटी नहीं है कि डिफरेंस को हम सीधा सीधा राउंड ऑफ करके प्लस ही बोलेंगे, ना ना ये पॉइंट इलास्टिसिटी है, नेगेटिव में रिजल्ट आपके आते हैं। ओके मल्टीप्लाई में बताओ ओरिजिनल आपका प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस आपका क्या था 6 रुपीज पर यूनिट, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी आपकी 10, ठीक है ना, तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस था 6 से घट के 4 पे गया, ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी 10 से बढ़ के 15 पे आया, इसका हमने चेंज देखा -2 रुपीज, और यहां पे हमने चेंज देखा +5 यूनिट्स, ठीक है सर, इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये 5 है ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 है, तो 3/2 हो गया, 3/2 का मतलब 3 का आधा कर दो, तो 3 का आधा कहीं ना कहीं आपका होता है 1.5, और ये नेगेटिव का आपका रिजल्ट चलता आ रहा है, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा -1.5, तो 88 का जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है -1.5। देखो जी ऑप्शन में कहां पर है, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो परफेक्टली सही बैठता है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 88। आई होप बहुत इजी था, आराम से आपने चिपका दिया चटका दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ये भी प्रैक्टिकल है, और ये सेम प्रैक्टिकल है अगर आपने ध्यान लगाते हुए अपने मॉड्यूल को पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया अगर आपने उसको ध्यान से देखा या सुना है, तो आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। सेम क्वेश्चन का मतलब क्या है, इन्होंने फिगर तक चेंज नहीं करी है, इसी क्वेश्चन को इन्होंने खुद सॉल्व करके दिखाया हुआ है इलस्ट्रेशन के अंदर, आपके इसी यूनिट के अंदर, मतलब सप्लाई वाले यूनिट के अंदर, यूनिट 3 के अंदर ही इसको इन्होंने खुद ही सॉल्व करके दिखाया था, तो वही डिट्टो क्वेश्चन उन्होंने उठा के चिपका दिया आपके एमसीक्यू के अंदर भी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने दोबारा दिया है तो हम भी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। देखो जी क्या कह रहा है, आपको एक सप्लाई फंक्शन गिवन है, सप्लाई फंक्शन जो गिवन होता है उसमें आपको दो चीजें दी होती है, एक क्यू इक्वल टू -100 + 10p, ठीक है ना, अब आपको एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है प्राइस की विच इज 15 रुपीज, मतलब क्या है कि सप्लाई फंक्शन गिवन है, आपसे कह रहा है इलास्टिसिटी निकालो यूजिंग पॉइंट मेथड, ठीक है सर, पॉइंट मेथड को यूज करते हुए हम इलास्टिसिटी निकाल देंगे, और प्राइस आपको गिवन है 15, तो पहली बात तो ये होगी कि जो आपको चीज पता है विच इज प्राइस, तो इसको आप अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। हाँ सर, इतनी मैथ तो हमने पढ़ी है, बहुत इजी वाली मैथ है ये, कि क्वांटिटी इज व्हाट -100 + 10p, अगर मैं p की जगह p की वैल्यू रख दूं, मतलब प्राइस की वैल्यू रख दूं, तो -100 + 10 और p की जगह आ जाएगा 15, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा -100 + 10 और 15 क्या हो गया 150, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका प्लस का 50 आ जाएगा विच इज व्हाट क्वांटिटी। ठीक है सर, अब अपने को प्राइस पता लग गया, कितना पता लग गया, अरे प्राइस तो पहले से पता था 15, ठीक है सर, क्वांटिटी हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 50 निकाल लिया, अब ये दो चीजें अपने को पता है। आपका जो पॉइंट मेथड है इलास्टिसिटी निकालने का, वो बेसिकली क्या कहता है, वो कहता है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव किसके बीच में निकालना है, क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, ओए मिट जा, हां जी, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय
विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है सर, कुछ ऐसा आपने फॉर्मुला देखा था कि ये आपका फॉर्मुला होता है। अब अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में आपको ये जो 10 गिवन होता है, दिस इज व्हाट आर डेरिवेटिव, ये जो हमारा डेरिवेटिव है क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, वो आपको यही है, वो आपको यही गिवन है जिसको हम कह रहे हैं कि प्लस का 10। ठीक है, तो इस प्लस के 10 की जगह पे आप रखोगे ये, मतलब इसकी जगह पे आपका ये आ जाएगा। प्राइस आपको पता है कितना 15 और क्वांटिटी आपने निकाल लिया कितना 50, और इसको आपको सॉल्व करना है तो आपका क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगा। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो बताओ क्या आएगा, ये हो गया आपका 10 और 15 कहने का 150, और 150 को जब 50 से क्रॉस करोगे तो आपका सीधा सीधा 3 निकल के आ जाएगा आंसर। देख लो 3 ढूंढो कहां पर आ रहा है, तो आपका 89 का जो ऑप्शन है उसमें आपको 3 गिवन है डी के अंदर, तो डी जो है वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया होगा तो आपको यही मॉड्यूल में भी सॉल्व करके दे रखा है आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वहां भी ऑल्दो हमने इसको देखा था। समझ में आपको यहां आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वहां से भी जाके देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना टफ सवाल ये है नहीं। टफ सवाल आता है अब क्वेश्चन नंबर 90, सर ये है टफ सवाल, तो इसे कहते हैं सवाल, क्या है सर सवाल, देखो कह रहा है द फिगर बिलोज शो द बजट कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंज्यूमर विद एन इनकम ऑफ 900 रुपीज टू स्पेंड ऑन टू कॉमोडिटीज नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। कह रहा है दो कॉमोडिटी पे ये खर्च करेंगे और इनके बाद जो टोटल इनका बजट इनकम है वो कितना है, 900, मतलब टोटल जो इनकी बजट है वो कितनी है, 900 रुपए खर्च करने को तैयार है अपनी आइसक्रीम और चॉकलेट्स के किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर। मतलब कि कुछ आइसक्रीम खरीद लेंगे तो कुछ चॉकलेट खरीद लेंगे, या सारी आइसक्रीम खरीद लेंगे तो चॉकलेट नहीं खरीदेंगे, मतलब इस तरीके से जो भी इनका कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको पता है कि उसके अंदर टोटल जो ये स्पेंड करेंगे वो कितना करेंगे, 900 रुपए स्पेंड करने को तैयार है। अब इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा दिया, और इस ग्राफ के अंदर आपको दो इन्फॉर्मेशन दे दी, व्हाट कि अगर मेरा वाई जो है, मतलब वाई का मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे आपका चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स अगर यहां पे होगा तो मतलब मैं कितने चॉकलेट्स खरीद पाऊंगा, 90, कितने चॉकलेट्स खरीद पाऊंगा, 90। लेकिन इस सिचुएशन पे क्या मैं आइसक्रीम कुछ खरीद के पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये मैं जीरो पे आ जाऊंगा। जब ये सिचुएशन होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो चॉकलेट्स है वो तो 90 है, लेकिन जो आपकी आइसक्रीम है वो क्या है, जीरो। और सेम अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन की, तो इस सिचुएशन में क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जो आपकी आइसक्रीम है वो तो है 45, लेकिन जो आपका चॉकलेट है वो कितना है यहाँ पे, जीरो। अब इसमें बीच में जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे वो यहां बने चाहे यहां बने चाहे यहां बने, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपके कुछ चॉकलेट्स होंगे कुछ आइसक्रीम्स होंगे, कुछ चॉकलेट्स होंगे कुछ आइसक्रीम होंगे, वो अलग चीज है। ठीक है सर, आपसे क्या मांग रहा है, आपसे कह रहा था प्राइजेस ऑफ दीज टू कॉमोडिटीज रिस्पेक्टिवली। यार अब आपको ऑप्शन दे रही है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों कॉमोडिटीज के प्राइजेस क्या है। अब एक चीज समझो कि ये 900 रुपीज का आपकी बजट लाइन है, जो ये बजट लाइन है ये 900 रुपए की है, मतलब इसमें किसी भी सिचुएशन पे आप कॉम्बिनेशन बनाओ आपके खर्च कितने होने चाहिए, 900 ही होने चाहिए, ना 900 से कम ना 900 से ज्यादा, अगर आप इस लाइन पे ड्रॉ करते हो तो। अब इस लाइन पे आप आर्बिट्रली यहीं पे ड्रॉ करो यहां पे ड्रॉ करो तो हो सकता है आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि इसमें कितने आइसक्रीम हो रहे हैं कितने चॉकलेट हो रहे हैं। ठीक है सर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इस जगह पे आके कैलकुलेट करके सोच सकते हैं कि यहां पे अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, यहां पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा। इसका मतलब कैसे हुआ सर, इसका मतलब ऐसे है कि अगर मैं कहता हूं कि यहां पे अगर ये कंज्यूम कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, जो कि कितना करेगा, 90 करेगा, और सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट अगर 90 कंज्यूम करेगा तो मतलब आइसक्रीम कुछ कंज्यूम नहीं करेगा। अब अगर ये 90 चॉकलेट ये कंज्यूम कर रहा है और आइसक्रीम वहां पे कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ये 900 रुपए पूरे के पूरे खर्च कर रहा है इस चॉकलेट के ऊपर जिसमें कि वो 90 चॉकलेट खरीद पा रहा है। ठीक है, तो बताओ एक चॉकलेट कितने का हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि एक चॉकलेट कितने का होगा आपका, 10 रुपीज का। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप ये बोलो कि भाई साहब एक 90 चॉकलेट में खरीद पा रहा हूं जब मैं आइसक्रीम कुछ नहीं खरीद रहा, तो मतलब सारे के सारे पैसे में चॉकलेट पे लगा रहा हूं, सारे पैसे मेरे पास है कितने, 900 रुपए, तो 90 रुपए के हिसाब से मैं कितने रुपए का आपको एक चॉकलेट पड़ रहा है जिससे कि आप 900 रुपए खर्च कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ये आएगा आपका 10 रुपीज। ठीक है, इसी चीज को आप अगर यहां पे कैलकुलेट करोगे तो आप क्या बोलोगे कि इस सिचुएशन पे हम चॉकलेट कुछ नहीं खरीद रहे, सारी सारी खरीद रहे हैं आइसक्रीम, और आइसक्रीम खरीदने में मेरे पूरे 900 रुपए खर्च हो जा रहे हैं और 45 यूनिट में खरीद पा रहा हूं, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि आपके 900 रुपए बराबर हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि 45 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कितना निकल के आएगा, 900 निकल के आएगा। तो इससे आपको ये पता लगा कि चॉकलेट की कीमत कितनी है, 10 रुपए के हिसाब से, और आइसक्रीम की कीमत कितनी है, 20 रुपए के हिसाब से, जो कि आपको पूछा गया था कि बताओ आइसक्रीम और चॉकलेट की कीमत क्या है। तो आइसक्रीम की हो जाएगी आपकी 20 रुपीज और चॉकलेट की हो जाएगी आपकी 10 रुपीज, तो जो आपका बेस्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा बी। ध्यान देना यहाँ पे 10-20 के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, उस कंफ्यूजन का आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको इसकी अंग्रेजी के ऊपर ध्यान देना है, और अंग्रेजी में आपको जो बताया गया था वो बताया गया था नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, मतलब पहले जिक्र हो रहा है किसका, आइसक्रीम का, और फिर जिक्र हो रहा है किसका, चॉकलेट्स का। तो आपको इसी सिक्वेंस में अपना आंसर बताना है कि पहले आप आइसक्रीम को रखोगे,
मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं तो आइसक्रीम को ही 10 सोचा था, सॉरी 20 सोचा था, लेकिन मैंने उसको बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। नहीं, आपको देखना है कि क्वेश्चन किस सीक्वेंस में चल रहा है। क्वेश्चन ने पहले आइसक्रीम का नाम लिया तो आप भी पहले आंसर में आइसक्रीम वाली फिगर को देखोगे, तो इसलिए जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 20 और 10 का। ठीक है सर, अब आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, इसको एक और तरीका होता है करने का कि आप सिंपली सोचो कि मैं कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट लूंगा, एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट लूंगा प्लस मैं कुछ वाई अमाउंट ऑफ क्या लूंगा, आइसक्रीम लूंगा। कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट होगा मतलब एक्स यूनिट होगा चॉकलेट का प्लस कुछ वाई यूनिट होगा किसका, आइसक्रीम का। या फिर आप ऐसे कर लो कि इतने चॉकलेट्स होंगे और इसका रुपीज ये होगा, पता नहीं क्या होगा एक्स रुपीज। ठीक है, इतने आपके आइसक्रीम होंगे और उसका रुपीज ये होगा, पता नहीं क्या होगा, और इक्वल टू में आपके जो पैसे खर्च होंगे वो कितने होंगे, 900 होंगे। अब अगर आपको मैं ये कहता हूं कि आपको ये चीजें पता है, क्या चीजें पता है इस सिचुएशन पे, लेट्स से इस सिचुएशन पे कि आपको आइसक्रीम पता है कितनी है 45, तो आइसक्रीम की जगह 45 रख दो। ठीक है, आइसक्रीम की कीमत पता है क्या, सर नहीं पता। ठीक है सर, उसके बाद चॉकलेट आपको पता है यहाँ पे कितने, सिचुएशन में चॉकलेट आपके कितने हैं, जीरो। तो चॉकलेट की कीमत कुछ भी हो वो इमटेरियल हो गया, क्योंकि ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू व्हाट, 900। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो पूरा जीरो हो चुका है, तो y मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल टू व्हाट, 900, और इससे आप y निकाल लोगे कितना, 900 डिवाइड बाय 45, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 20। y का मतलब क्या था आपका, आइसक्रीम की प्राइस, तो आइसक्रीम की प्राइस आपकी कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इस सिचुएशन में जब सॉल्व करोगे, किस सिचुएशन में सर, जब आप इसको इस सिचुएशन में सॉल्व करोगे, टॉप वाली सिचुएशन में जहां पे आपको ये 90 की चीज पता है, ये वाली चीज पता है जहां पे आपका चॉकलेट 90 है और आइसक्रीम जीरो है, तो आप यहां पे 90 पुट करोगे और यहां पे आइसक्रीम में जीरो पुट करोगे और इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका 10 निकल के आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा पहले लेमन लैंग्वेज में समझाया था, फॉर्मूले के तरीके से देखा चाहोगे तो आप यहां भी देख सकते हो, ऑल दो आपको एग्जाम में लेमन ही करना होता है क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी जा रही, आपको ऑप्शन करेक्टिंग करना है और आपको टाइम भी बचाना है, तो इसलिए आप ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान ना दें, समझने में ध्यान दें और लॉजिकली उसको सही से फाइंड आउट करने में ध्यान दें, और वो आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, लिख के भी करें तो कम से कम लिखने में करें ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव हो। चलिए सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक का दौर, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने 91 से लेकर रिमेनिंग पार्ट को। टिल देन स्टे कनेक्टेड।